हेलो फ्रेंड्स, आज हम मटर का भरवा बनाने जा रहे हैं। यह हमारे 250 ग्राम मटर है, हमने इसको धो लिया है अच्छे से। अब हम इसमें अरवा चावल का आटा मिलाएंगे। दोस्तों, हमने आटा आधा कटोरी लिया है। दोस्तों, अब हम इसमें हम मिला लेते हैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, छोटा चम्मच से लीजिएगा। यह हमारी लहसुन और जीरा गोलकी का पेस्ट है। दोस्तों, हमने इसको क्रश कर लिया है। अब हम इसे भी डाल लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 3 से 4 हरा मिर्च। दोस्तों, अब हम इसे मिला लेते हैं। दोस्तों, अरवा चावल का आटा देने से पकौड़ी क्रंची बनती है। दोस्तों, हम इसमें बेसन नहीं डालेंगे, बिना बेसन का ही बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मिला लेना है। देखिए दोस्त, हमने मिला लिया अच्छे तरीके से, इसका बॉन्डिंग भी ले पड़ रहा है। देखिए, अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है दोस्तों, अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल मेरी पक चुकी है दोस्तों, अब हम इसमें डाल लेते हैं पकौड़े को। फ्लेम को मीडियम ही रखना है दोस्तों। दोस्तों, हमने डाल लिया है, अभी हम इसे थोड़ा देर पकने देते हैं। दोस्तों, अब हम इसे पलट लेते हैं। दोस्तों, हमने पलट लिया है, अब हम इसे 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। दोस्तों, मेरी पकौड़ी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों, चावल का आटा का भरवा खाइए जाना तो बहुत ही क्रंची अंदर से रहता, बहुत ही क्रिस्पी। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, दोबारा फिर से बनाएंगे। दोस्तों, मेरी सबका हो चुकी है तैयार, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। यकीन मानिए, इतना टेस्टी लगता है खाने में, समोसा सब भूल जाएंगे। इसी को ट्राई करेंगे, ये अंदर से क्रिस्पी और क्रंची है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कितना अंदर से क्रंची और क्रिस्पी है, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों, एंड फुल वॉच करके जाएगा दोस्तों।